एक्सरसाइज 4.3 करन ली जो चीज़ पहला से समझांगे वो है एंगल्स दे बारे। ठीक है, हले तक असी पॉइंट, कलीनियर पॉइंट्स, नॉन कलीनियर पॉइंट्स, देन लाइन, लाइन सेगमेंट, रे बारे समझ लिया। ठीक है, कर्व्स भी कर लिया ने। हुन जिहड़ी नेक्स्ट चीज़ है वो आती है एंगल्स। ठीक, देखो मैं की कीता होया, मैं दो रेज लईयां होईयां रेज, इन्हां नूं एक फिक्सड पॉइंट ते जोड़ दिता। देखो इस रे नूं भी, ये रे भी एक पॉइंट तो निकल रही है, दूसरी रे भी एक पॉइंट तो निकल रही है। मान लो मैं इन्हूं लिख दिता ओ। ठीक है जी, हुण की करना, एक रे नूं फिक्स कर देना, मतलब एक रे नहीं हिलूगी, दूसरी रे हिलूगी। जिदा हुण देखो, तो एक रे फिक्स है, दूसरी रे की कर रही है हौली 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 अगे मूव कर रही है एंड करते इत्थे पहुँच गई। फिर उस तो बाद फर्दर मूव कर रही है ना, इत्थे पहुँच गई। फिर इत्थों मूव करती बैक आ गई और उन्हें पूरा एक कंप्लीट सर्कल पूरा कर लिया है ना, एक कंप्लीट सर्कल कर लिया। तो जदों दो रेज, ठीक है, दो रेज जिन्हां दा एक कॉमन पॉइंट होवे आपस दे विच, की करदियां ने वो एक एंगल नूं जनरेट करदियां ने। जनरेट एंगल किद्दां होगा, एंगल बनूगा किद्दां, एक रे फिक्स रहूगी, दूसरी रे फ्रीली उहदे उपर की करूगी, घूमूगी। ठीक है, तो ये है साढ़े कोल एंगल का कंसैप्ट कि एंगल बनता किवें है। ठीक है, दो रेज जदों एक कॉमन पॉइंट ते मिलदियां ने वो आपस दे विच की बनांदियां ने, एक एंगल बनांदियां ने। क्लीयर इन्नी गल। नैक्सट फिर आंदा साढ़े कोल, असी एंगल तो समझ लिया है ना, हुण एंगल का नाम किद्दां रखना है। लो, नेमिंग ऑफ एंगल। तो मैं की कीता, मैं जिहड़ियां दो रेज बनाईयां सी हुण मैं उन्हां नूं पेंसिल अपने पेन दे नाल ड्रॉ कर लिया, और जिस कॉमन पॉइंट तो वह निकलदियां पईयां ने उहदा नाम मैं क्यू रख दिता, और एक पासे मेरे कोले पॉइंट पी आ गया, दूसरे पासे मेरे कोले आर आ गया। जद मैं तुहानूं आह मॉडल तो समझाया सी तां मैं इन्हां नूं रेज कहता सी। ठीक है, हुण जदों असीं इन्हां दे नाम लिखांगे, ये रेज की बन जाणगियां, इहदियां एंगल दियां आर्म्स बन जाणगियां। ठीक है जी, इन्हां नूं की कहांगे असीं, ये एंगल दियां आर्म्स ने। ठीक, और जिस पॉइंट ते दोनों रेज निकलदियां पईयां ने उन्हां नूं उहनूं असीं कहिंदे आ वर्टेक्स। उहनूं की कहिंदे आ वर्टेक्स। ठीक है, वर्टेक्स दे नाल की लगियां होणगियां, आर्म्स लगियां होणगियां। हुण इक गल याद रखो, जदों भी किसी एंगल का नाम लिखते हैं असं चैक करना वह एंगल बने कितने। हुण मैनू दिखता पाया दो रेज दे जिहड़ियां आर्म्स है, दो रेज है या दो आर्म्स है, उन्होंने कितने एंगल बनता पाया, क्यू ते एंगल बनता पाया। ठीक है, तो मैं जदों एंगल का नाम लिखांगी, नाम किद्दां लिखांगी, देखो मैं लिखांगी एंगल का सिंबल पावांगी, पाता। हुण नाम किद्दां लिखा, नाम किद्दां आऊगा, जेड़ा वर्टेक्स है उन्हू लिखना सी सेंटर ते। ठीक है, उदी एक आर्म पी वाल जा रही है, एक आर्म आर वाल जा रही है, तो एक पी हो गया, सेंटर च वर्टेक्स आ गया और एंड च की आ गया आर, तो नाम की बन गया पी क्यू आर। पूरा बोलना तो एंगल पी क्यू आर, होर किद्दां लिख सकते हैं इनू। कोई कहिंदा चलो क्यू ते वर्टेक्स है, उन्हें सेंटर ते लिख लिया। कोई कहिंदा मैं तो पहला आर लिखना है मुड़ के पी लिखना है, वो इदा भी लिख सकता है, भी गलत नहीं है, भी बिल्कुल ठीक है। एंगल आर क्यू पी, किहड़े एंगल की गल हो रही है, उहदियां आर्म्स किधर नूं है। ठीक है, वर्टेक्स तुहानूं जरूर पता होना चाहिए, वर्टेक्स इस एंगल का की है क्यू, आर्म्स के नाम की है, एक आर्म है क्यू पी ते दूसरी आर्म है क्यू आर। क्लीयर। नैक्सट आता है साढ़े को इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ एंगल। एक एंगल ड्रॉ किया, ठीक है, एंगल दे विच की किया, जिथे तक असी रेज नूं ड्रॉ किया होया उहदे इंटीरियर पार्ट नूं की किया, उहदे अंदर अंदर वाले हिस्से नूं रंग कर लिया। तो जिहड़ा ये कलर्ड पार्ट है इंटीरियर पार्ट है, इस ते बाहर जो भी थां है वो एक्सटीरियर पार्ट। 4.3 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है
नेम द एंगल्स इन द गिवन फिगर, तो थानू एक डायग्राम बना के दिता हुआ है, तुसी इहदे विच जिन्हें भी एंगल्स बनते पे उन्हें नाम लिखने हैं। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन को किद्दां करांगे। सब तो पहला बुक ते चाहे डायग्राम बनया हुआ है तां भी अपनी कॉपी दे डायग्राम बनाना ही बनाना है, तो की कीता अपनी कॉपी दे डायग्राम बना लिया तुसी सारिआं ने। हुण इस तों बाद की करूंगे, एंगल्स दे नाम लिखोंगे। तो स्टार्ट हो जाओ, कित्थों स्टार्ट होईए, देखो ए तो स्टार्ट हुंदे आ, इस इत्थे जिहड़ा ए वाला एंगल बनता पिआ इहदा नाम की होगा, असीं लिखांगे फस्ट एंगल। मान लो सीधा लिखांगे फस्ट एंगल। अच्छा हुण वर्टेक्स किहड़ा, चैक करो ए, ए ते एंगल बनता पिआ, इहदी इक आम किधर नूं जांदी पई, बी नूं, इक आम किधर नूं जांदी पई, डी नूं। तो मैं एक पासे डी लिखदा एक पासे बी लिखदा, तो एंगल दा पूरा नाम की हो गया एंगल डी ए बी, एंगल डी ए बी। ठीक है, अच्छा जी हुण बी ते चलदे आ। मान लो इहनूं लिखदे पए सी सैकेंड एंगल। ठीक है, तो सैकेंड एंगल नूं किद्दां लिखांगे, एंगल जिहड़ा वर्टेक्स है उहनूं सेंटर च, उहदी इक आम किधर नूं जा रही, ए नूं, इक आम किधर नूं जा रही, सी नूं। तो नाम की बन गया ए बी सी, एंगल ए बी सी। थर्ड एंगल लो जी, थर्ड एंगल देखो सी ते बनता पिआ। हुण अपने दिमाग सोचो, सी नूं सेंटर ते रखता, इक आम बी वल है, इक आम किधर नूं है, डी वल है। ठीक, उस तों बाद नैक्सट देखो, नैक्सट है साडे कोले फोर्थ एंगल। जिहड़ा फोर्थ एंगल है, फोर्थ एंगल किधर नूं जा रहा, फोर्थ एंगल बनता पिआ वर्टेक्स डी ते, और एक साइड है इहदी ए, एक आम है ए वाले पासे, एक आम है सी वाले पासे। तो एंगल बन गया साडे कोले एंगल ए डी सी। ठीक, उस बाद नैक्सट देखो, नैक्सट है साडे कोले जिहड़ा सैकेंड क्वेश्चन है, उहदे विच है साडे कोले नेम द पॉइंट्स। ठीक है, तुहानूं डायग्राम बना के दित्ता होया, नेम द पॉइंट्स कित्थे कित्थे, जो डायग्राम है उहनूं प्रॉपरली ड्रॉ कर लिया। ए पार्ट दे विच है पॉइंट्स दा नाम लिखना जो कित्थे पए ने, इंटीरियर ऑफ एंगल डी ओ ई। चलो चैक करो डी, फिर कित्थे तक पेन लैके जाओ ओ, फिर कित्थे लैके जाओ ई। हुण इंटीरियर, उह कहिंदा डी ओ ई दे इंटीरियर दे विच, इंटीरियर डी ओ ई दा इह होया किहड़ा पिआ, पॉइंट ए। तां मैं इत्थे की लिखदा, पॉइंट ए, पॉइंट ए है जो ओ डी ओ ई दे इंटीरियर इंटीरियर च पिया होया। लो नैक्सट है, राइट द पॉइंट कित्थे, एक्सटीरियर ऑफ एंगल ई ओ एफ। ओके, ई ते आ जाओ, ओ ते आ जाओ, एफ ते आ जाओ, चैक करो किहड़ा पॉइंट एक्सटीरियर दे विच पिया होया। एक तां सीधा दिखदा पिया पॉइंट सी, पॉइंट सी। ठीक, नाल दी नाल क्योंकि ओह सानूं किहड़ा एंगल कह रहे हैं, ए वाला एंगल कह रहे हैं, है ना। एक तो सी दिखता पाया, इस एंगल दे बाहर होर भी पॉइंट ने, किहड़ा ओ, पॉइंट ए ते पॉइंट डी। तो मैं नाल की लिखता होर, पॉइंट ए एंड पॉइंट डी ऑल्सो। लास्ट क्वेश्चन है ऑन एंगल ई ओ एफ। देखो ई कित्थे है, ई ओ एफ, ई ओ एफ दे उत्ते, ई ओ एफ दे उत्ते किहड़ा पॉइंट पिया होया, सिर्फ एक पॉइंट पिया होया, किहड़ा पॉइंट बी। तो इहदा आंसर की आ गया, पॉइंट बी। ठीक है, तो ये होया थोड़ा सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है, ड्रॉ रफ डायग्राम्स ऑफ टू एंगल्स सच दैट, टू एंगल्स लेने हैं उन्होंने रफ डायग्राम ड्रॉ करने हैं, हैविंग वन पॉइंट इन कॉमन, जिन्हों के विच की होवे, वन पॉइंट इन कॉमन होवे, मतलब दो एंगल्स ड्रॉ करने हैं। चलो करते हैं ड्रॉ, स्केल देना कर लें। मान लो मेरे को पॉइंट है, ठीक है, मान लो मैं एक एंगल ड्रॉ किया, एक एंगल मैं इस तरीके ना ड्रॉ करता करता, हुण ते एक एंगल किदा ड्रॉ करदा, एक एंगल इस तरीके ना इधरले पासे ड्रॉ करदा, लो करता। तो ध्यान ना देखो, दो एंगल्स हो गए, मान लो इहदा नाम रख दिता ए, इत्थे रख दिता बी, इत्थे रख दिता ओ, इत्थे रख दिता सी, इत्थे रख दिता डी। तो दो पॉइंट, दो एंगल्स हो गए जिहदे विच जिन्हां दा एक पॉइंट कॉमन है। ठीक है जी, हुण अगे की है, टू पॉइंट्स इन कॉमन, जिन्हां दे विच तुहाडे कोले की होए, टू पॉइंट्स इन कॉमन होए, इहनूं किद्दां करांगे। तो इहदे वास्ते असीं की कीता, एक एंगल ड्रॉ कीता, लो सपोज मैं इह वाला एंगल ड्रॉ करता, ठीक है, और इहदा नाम रख दिता पी ओ क्यू। ओके, फिर मैं की कीता, इही आम रखी ते एक होर एंगल ड्रॉ कर दिता, उहदा इत्थे नाम रख दिता आर।
देखो पी ओ क्यू, दूसरा एंगल क्यू ओ आर। हुण किहड़े किहड़े, एक एंगल ए बनता पे, एक एंगल ए बनता पे, इन्हां च किहड़े किहड़े दो पॉइंट कॉमन हो गए, एक ओ एक क्यू, दो पॉइंट कॉमन हो गए। ठीक है, उस बाद नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट कहिंदा पिया थ्री पॉइंट्स इन कॉमन। तो असी थ्री पॉइंट्स इन कॉमन वाला एंगल नहीं ड्रॉ कर सकते। देखो दो दो पॉइंट्स तो इदा कॉमन आ जाएंगे, थ्री जिदा हम आ उपर वाले डायग्राम दे दो है, पर जो तो असी थ्री की कोशिश करांगे तो थ्री दी नहीं होगी, थ्री वास्ते पॉसिबल नहीं है। थ्री जिदा मैं बनाया, मैं ड्रॉ किया ए बी सी, फिर मैं सी बी डी, फिर मैं किया डी बी ई। ठीक है, हुण चेक करो। ओके, नो डाउट वन पॉइंट कॉमन आ गया, ए दो एंगल्स दे विच सिर्फ एक पॉइंट कॉमन आंदा पिया, तो एक पॉइंट ए कॉमन आंदा पिया। फिर अगले दो एंगल्स दे विच सिर्फ मैक्सिमम किन्ने पॉइंट कॉमन आ सकते हैं, दो पॉइंट कॉमन आ सकते हैं, तीन कॉमन नहीं आ रहे। जेकर तीन पॉइंट्स दो एंगल्स दे विच कॉमन नहीं होंगे पे तो फोर पॉइंट्स भी नहीं होंगे। ठीक है, उस तो बाद कहता पाया वन रे इन कॉमन, तो वन रे इन कॉमन दे विच असी जिहड़ा सैकेंड दे विच डायग्राम ड्रॉ किया सी उहनूं असी ध्यान दे नाल देख लांगे। देखो सैकेंड दे विच की सीगा, तुसीं इही वाला डायग्राम दोबारा ड्रॉ कर सकते हो। तो दो एंगल है, दोनों दे विच एक रे कॉमन है ओ क्यू। ठीक है, तो इहदे नाल ही तुहाडा 4.3 जो है पूरा होया। नेक्स्ट करते हैं असीं 4.4।